राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह का मां दुर्गा पर विवादित बयान राजनीतिक खेमे में हलचल मचा दिया है। राजद विधायक के मां दुर्गा पर विवादित बयान से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सनातन धर्म पर पहले रामचरित मानस पर सवाल उठ रहे थे, तो अब मां दुर्गा पर भी राजद के विधायक ने कई सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। विधायक ने कहा है कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि देवी दुर्गा की उत्पत्ति भगवान शिव ने किया था, दूसरी ओर उन्होंने दुर्गा को शिव की पत्नी भी बताया, तो क्या भगवान शिव ने अपनी बेटी से शादी कर लिया था। इस दौरान राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मनुवादियों पर भी हमला बोला है। इतना ही नहीं, राजद विधायक ने मां दुर्गा पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि मां दुर्गा काल्पनिक है, इस पूजा पर खर्च फिजूल है। उन्होंने ब्राह्मणों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि महिषासुर यादव जाति के थे। वहीं राजद विधायक की इस टिप्पणी से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बात भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि विधायक का काम है जनप्रतिनिधि बनकर समाज की सेवा करना, न कि धर्म के साथ खिलवाड़ करना। अगर उन्होंने देवी दुर्गा को गलत बताया है और इस पर किए गए खर्च को फिजूल खर्च बताया है, तो उसे तुरंत ऐसी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए और हिंदू धर्म के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, सरे आम लोगों के बीच उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सनातन धर्म का अपमान हिंदू धर्म के लोग कभी भी नहीं सहेंगे। देखिए, माँ दुर्गा के शक्ति के बिना हम हिंदू हैं, जैसे अल्लाह ताला को मानते हैं मुसलमान भाई, हम लोग मानते हैं माँ दुर्गा को, माँ काली को, माँ सरस्वती को, सबको, शंकर भगवान जो है, बैजनाथ धाम, बासुकीनाथ, वैष्णव देवी, बहुत जगह है। अगर वो कह रहे हैं कि माँ दुर्गा काल्पनिक है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। उनको पूरे देशवासियों से माफी मांगना चाहिए। माँ दुर्गा एक आस्था का पर्व है, माँ दुर्गा के आशीर्वाद के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता, और आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और आपको पूरे देश से माफी मांगना होगा, नहीं तो माँ दुर्गा आपको छोड़ेंगी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। विधायक को, जनता जब किसी विधायक या सांसद को चुनती है तो विकास के लिए, उनके कठिनाई को देखने के लिए। अब माँ दुर्गा के बारे में बोल रहे हो, कभी माँ काली के बारे में बोल दोगे, कभी शंकर भगवान के बारे में बोल दोगे, क्या मतलब है? आप विकास करो, जनता क्यों चुनी है आपको? अपने क्षेत्र का आप काम कीजिए। अब माँ दुर्गा के बारे में बोल रहे हो, यह बिल्कुल गलत है। आपको बता दें, किसी भी विधायक या सांसद का काम है जनता का विकास करना, जनता की कठिनाइयों को देखना, इसी के लिए जनता चुनती है। और अगर आप इस तरह की बात करोगे, जनता आपको अगले चुनाव में निश्चित तौर पर सबक सिखाएगी कि आप माँ दुर्गा के बारे में से बोल रहे हो। उनको पूरे देशवासियों से माफी मांगना चाहिए। नगर निगम भागलपुर के सभागार में अस्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर गहन चर्चा की गई और कई निर्णय भी लिए गए। हालांकि भागलपुर नगर आयुक्त उस बैठक में उपस्थित नहीं थे। उप नगर आयुक्त ने सभी बातों पर मेयर, उप मेयर एवं पार्षदों की बातों को ध्यान से सुना और कई बातों पर निर्णय भी लिया। अस्थायी समिति के सदस्यों की मुख्य मांगे थी कि शहर में प्राइवेट सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, जो पूर्ण रूपेण असफल है। पूरा शहर कूड़े कचरे के अंबार में तब्दील हो गया है, उसे जल्द से जल्द हटाया जाए। वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण अधिकारी शंकराचार्य उपाध्याय को अतिक्रमण अधिकारी के पद से हटाकर मोहम्मद हसन को अतिक्रमण पदाधिकारी बनाया जाए, जिससे शहर में अतिक्रमण सुगमता से हटाया जाएगा और शहर स्वच्छ और सुंदर दिखेगा। वहीं उपनगर आयुक्त ने सारी बिंदुओं को ध्यान से सुना और इस पर जल्द विचार करने की सहमति जताई। इस बैठक में उपनगर आयुक्त, मेयर, उपमेयर और स्थायी समिति के कई सदस्य मौजूद थे। आज हमारा ये फोर्थ स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है और इसमें मेन मुद्दा सफाई एजेंसी को कार्ड से हटाना है, क्योंकि उसका जो कार्ड शैली है वो बिल्कुल ही गलत है। वो NIT के तहत कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे शहरवासी इससे संतुष्ट नहीं हैं, हमारे सारे सम्मानित पार्षदगण इससे संतुष्ट नहीं हैं। तो ये मुद्दा ही सफाई एजेंसी को हटाने के लिए ही ये सशक्त स्थायी समिति को लाया भी गया है और इसका मेन जो एजेंडा है उनको उनके कार्यभार से विमुक्त करना है। दोनों एजेंसी को, दो एजेंसी है, साइन एंड स्टैंडर्ड और CBS प्राइवेट लिमिटेड, दोनों एजेंसी को सर्वसम्मति से पारित हो गया है कि उसको उनके कार्यभार से विमुक्त किया। अभी आपने देखा होगा दशहरा पूजा में हमारे निगम प्रशासन ने कैसी व्यवस्था की, सारे शहरवासी खुश थे, सब लोगों ने बोला कि नहीं, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। तो ये दर्शाता है कि निगम प्रशासन जब कार्य को अपने हाथ में लेगी तो वो बेहतर ढंग से करा पाएगी, बनिस्पत की जो एजेंसी काम कर रही है। तो ये भी ये प्रूफ करता है कि वो सही से काम नहीं कर पाएगी और उसे उसके कार्य से निरस्त किया जाए। समिति की बैठक काफ़ी गहमा गहमी रहा, हर एक मुद्दे पर विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा किए और उपनगर आयुक्त से इस पर विस्तार से निर्णय भी पूछे। जहाँ तक आज का बैठक का प्रमुख मुद्दा था,
कि अतिक्रमण पदाधिकारी जो है आपके शंकराचार्य, उनके कार्यशैली से सारे अस्थायी समिति के सदस्य नाखुश थे और उनके कार्यशैली से शहर अतिक्रमण मुक्त होने की संभावना दिख नहीं रहा था। इसलिए हम लोग ने मांग किया कि शंकराचार्य को हटाते हुए हसन जी को अतिक्रमण पदाधिकारी बनाया जाए, जिससे पूरा शहर में अतिक्रमण मुक्त होने में बहुत बड़ा काम होगा, यह हम लोगों को विश्वास है। दूसरा मांग था हम लोगों का कि डिप्टी मेयर तक को जो सरकार के द्वारा जो सारी सुविधा से वंचित किया गया है, सदन यह मांग किया कि वह भी चुनाव जनता के द्वारा जीत के आए हैं, उनको नगर निगम के आंतरिक संसाधन से सुविधा दी जाए, और सर्वसम्मति से सदन ने इस प्रस्ताव को माना। सफाई एजेंसी के बारे में सभी स्थायी समिति ने एक ही एजेंडा दिया था कि आउटसोर्सिंग को अविलंब हटाया जाए, और स्थायी समिति ने आउटसोर्सिंग कंपनी को हटाने का निर्णय ले लिया है। अब कंपनी आउटसोर्सिंग का काम नहीं करेगा, नगर निगम करेगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सभी ग्रेजुएट छात्राओं को सरकार द्वारा 50-50 हज़ार रुपये की राशि दी जा रही है। इसके लिए पहले आवेदन ऑनलाइन किया जा रहा था, लेकिन अचानक विश्वविद्यालय से फरमान जारी हुआ और ऑफलाइन फॉर्म भराने लगा, जिससे फॉर्म भरने में छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लंबी कतारें लग गई है और घंटों छात्राओं को लाइन में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। फिर भी घंटों लाइन में लगे छात्राओं का काम नहीं हो सका, जिससे परेशान छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं सुगमता से फॉर्म भरने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन दावे तो कर रही है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही बयां हो रहा है। वहीं परेशान छात्रों का कहना है कि हम लोग घंटों से लाइन में खड़े हैं, लेकिन काउंटर बंद है, जिससे हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक इस तरह नियमों में फेरदल कहीं से सही नहीं है। कभी TNV बोलता है, कभी यूनिवर्सिटी बोलता है, ये सारा काम अपने अपने कॉलेज में होना चाहिए। कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री द्वारा जो 50,000 दिया जाने वाला है, उसका फॉर्म भराया जा रहा है। ये पहले ऑनलाइन होता था, अब ऑफलाइन कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, सारे कॉलेज के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आगे कर रहे हैं, यहाँ कोई नियम पालन नहीं हो रहा है, इस तरह से दिक्कत हो रहा है हम लोग को। अभी आप लोग का काम हुआ? नहीं हुआ है अभी तक। कितने देर से? बहुत देर से, 1-2 घंटा पहले से है। SSB कॉलेज कहलगांव, तनुजा कुमारी। अगर आप इस बदलते मौसम में भी पंखा, एसी या कूलर का प्रयोग कर रहे हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि डेंगू के बाद अब बड़ी बीमारी निमोनिया आपके शहर में काफी तेजी से फैलता चला जा रहा है। अगर आपको सर्दी, खांसी और बुखार का लक्षण लग रहा है तो जल्द से जल्द चिकित्सक के पास जाकर अपना चेकअप कराएं, वरना बड़ा रोग उत्पन्न हो सकता है। मौसम गर्मी से ठंड की ओर रुख कर रहा है और यह शरीर के तापमान पर खासा असर पैदा करेगा, इसके लिए पंखे और एसी में ना रहें। वहीं इस निमोनिया के बारे में भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि आप गुनगुना पानी का प्रयोग करें एवं पंखा एसी का प्रयोग ना करें और चादर कंबल ढक कर ही रात में सोएं। बच्चों को अभी ज्यादा सुरक्षित रखने की जरूरत है। फ्रिज के ठंडे पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक से काफी दूर रहें, तब जाकर आप निमोनिया जैसे रोग से दूर रह सकते हैं। बच्चों में अभी वायरल डायरिया और वायरल निमोनिया ब्रोंकियोलाइटिस कहलाता है। इसका होने का वजह है कि सब सीजन में अलग अलग वायरस ग्रो करता है। अभी RSV वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसेटियल वायरस का प्रोपोगेशन होता है और बच्चों में जल्दी से इसका प्रकोप होता है। सांस की नली सिकुड़ने लगती है, शुरुआत में बुखार आता है, फिर बुखार कम होता है,
कई बच्चों में काफ़ी सीरियस हो जाता है, ऑक्सीजन के अलावे वेंटिलेटर तक की ज़रूरत पड़ती है। इसको बचने के लिए इसमें बता दें कि ये जो मौसम चेंज हो रहा है, अभी लोग गर्मी से निकले हैं और ठंडे में जा रहे हैं, लेकिन लोग अपनी आदत नहीं छोड़ते हैं, पंखा रात में भी चलाते रहते हैं, एसी का भी प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से बच्चों में बहुत कुप्रभाव डालता है। अभी तो बच्चे को रात में ढक के रखना होगा। ध्यान रहे कि हम लोगों को जब थोड़ा गर्मी लगता है तो बच्चे को वो अच्छा लगता है, तो आप उसी हिसाब से बच्चों को रखें। बाहर भी कहीं निकालते हैं तो बस में कहीं भी ले जाते हैं तो तेज़ हवा उसको नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे में उसको ये ब्रोंकाइटिस और वायरल निमोनिया जिसको कहते हैं और एक्यूट डायरिया हो सकता है। इसके अलावा बता दूं कि ये जो वायरल निमोनिया है इसमें दवा का रोल कम है, दवा ज़्यादा कारगर नहीं है, समय बहुत लेता है और इस बीच पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उचित रूप से यदि सपोर्टिव इलाज जिसको कहते हैं वो मिले तो ज्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में भाजपा जो 40 सीट पर जीत का दावा कर रही है वो सीट लाने वाली नहीं है, उन्हें सीट जीतना तो दूर, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे। वहीं 2024 में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी और देश से उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया अलायंस बनने से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जिसके चलते उसके कई नेता अनर्गल बयान देते रहते हैं। 2024 को क्या देखना है? हमारे जो नेता हैं, मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार में 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी और इंडिया गठबंधन के झोली में चुनाव जीत के जाएगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो बिहार में पूरा छटपट कर रही है, इंडिया गठबंधन बनने के बाद बौखलाहट आ गई है, ख्याली पुआ पकाते हैं कि हम 40 सीट जीतेंगे, लेकिन उनके पास उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। उम्मीदवार लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है बिहार में, और उनका सुपड़ा साफ होना तय है, मैं इतना आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। भागलपुर जिले का नौगछिया जो अपने खास खेती केला के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ के किसानों ने एक नई प्रजाति का केला टीसू कल्चर का G9 लगाना शुरू किया है। इस केले की खासियत यह है कि यह केला अन्य प्रजातियों से बिल्कुल अलग है। इसके बारे में किसान श्री से सम्मानित नीरज कुमार ने बताया, यह बौना किस्म का होता है जो आंधी से प्रभावित नहीं होता और कम समय में अधिक मुनाफा देता है। वहीं इसका छिलका नहीं पकता बल्कि फल पकता है, जिस कारण इस केला को कोल्ड स्टोर में रखने की जरूरत नहीं पड़ती, अधिक दिनों तक यह केला सुरक्षित रहता है। वहीं नीरज साहू ने टीसू कल्चर केला के बारे में बताया कि जो एक बार इस केले को खरीदता है वो बार बार इसी केले की मांग करता है, क्योंकि इस केले का स्वाद अन्य केले के मुकाबले अधिक अच्छा है। लेकिन किसानों का यह भी कहना है कि इस केले की खेती की तकनीकी जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं होने के कारण इस केले की खेती करने में दिक्कतें हो रही है। जो भी हो, केलांचल के नाम से जाना जाने वाला नौगछिया अनुमंडल में आने वाले समय में टीसू कल्चर केले का बोलबाला होगा और केलांचल का नाम भागलपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चमकेगा। केले देखिए, केला में दो वेराइटीज है, एक लोकल, एक हमारा जो था रविष्ठा। पहले ज़्यादातर लोग हरे छाल वाली उपजाते थे। इधर लगभग 6-7 साल से टिश्यू कल्चर के बारे में लोग जाने, टिश्यू कल्चर का महत्व जाने, इसीलिए 6-7 साल से टिश्यू कल्चर ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अभी भी किसान सक्रिय नहीं है और इतना अवेयरनेस नहीं है कि वो टिश्यू कल्चर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और आज के डेट में टिश्यू कल्चर हमारे हॉर्टिकल्चर में जो है मालभोग शक्करचिनिया, इसका भी टिश्यू कल्चर आ गया है, लेकिन लोगों को जानकारी में नहीं है कि ये टिश्यू कल्चर है। हमारे यहाँ मालभोग शक्करचिनिया का भी खेती होती है, अधिक पैमाने में होती है, उसमें किसानों को मुनाफा भी अधिक है। अगर वो किसान शक्करचिनिया और मालभोग का टिश्यू कल्चर लगाए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी बात, टिश्यू कल्चर का जो है उसकी खासियत है कि केला स्वस्थ पैदा होता है, चिनिया छिमड़ी जो है छिमी जो है मोटा मोटा होता है, और वो जो है उसका चमड़ा अच्छा होता है, वो चमड़ा पकता है, ना कि अंदर का फल खराब होता है। टिश्यू कल्चर की ये खास विशेषता है। और सब केला में क्या है जो कि चमड़ा भी खराब होता है, अंदर भी खराब होता है। टिश्यू कल्चर में केला आपको अगर सही ढंग से उसको प्रिपेयर किया जाए, पकाया जाए, वो
8 से 10 दिन सर्वाइव कर सकता है। आजकल क्या होता है हमारे यहाँ की, आजकल के बहुत दिनों से चल रहा है सब कार्बाइड से पकाते हैं, कार्बाइड से पकाने से उससे हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है और वो इफेक्ट जो है बहुत ही खराब करता है, जैसे आजकल स्टोमक प्रॉब्लम, गैस, लीवर कैंसर, सर में भारीपन या ये सब जितनी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, ये सब जो बढ़ रही है ये ड्यू टू हमारे जो फ्रूट हैं उसको कार्बाइड के द्वारा पकाते हैं। और हम तो जान रहे हैं कि चलो हम फ्रूट खाते हैं लेकिन वो कैसे प्रोसेस में आता है, तो वो गलत प्रोसेस में आने के कारण वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, जहां तक कि नुकसान है। तो हमने सोचा कि चलो आप बड़े बड़े टाउन में जाते होंगे, बॉम्बे, दिल्ली या अदर जहां भी यूपी वगैरह में, तो वहां आपने देखा होगा कि छिमी मोटा मोटा पीला, वो क्या है कि प्राकृतिक द्वारा रेपेनिंग चैम्बर के द्वारा ये सब फ्रूट को पकाया जाता है जो कि ये हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है। तो अभी पिछले 2 साल पहले मैंने कोल्ड स्टोरेज डाला है, क्वालिटी क्वांटिटी हर तरह से आलू का अच्छा निकलता है। तो इस साल हम किसानों के लिए रेपेनिंग चैम्बर बना रहे हैं जो कि पहला रहेगा भागलपुर, खगड़िया, ये सब 5-6 डिस्ट्रिक्ट में, और वो जो है किसानों को केला यहाँ नेचुरली तरीके से पकेगा और बाजार में एक स्वस्थ फ्रूट नेचुरल गैस के द्वारा पका हुआ उपलब्ध होगा, उपलब्ध होगा जो कि हर खाने वाले हर उपभोक्ता के लिए ये अच्छी चीज होगी जो कि हेल्थ हमेशा बना रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर। क्या फायदा है टिशू कल्चर केला लगाने से? टिशू केला लगाने से महंगा बिकता है, घर बड़े बढ़िया होता है। और क्या उस केला के मुकाबले इस केला में अंतर क्या है? अंतर बहुत है। क्या ये 200 के 250 के या भर जे होता है? खराब नहीं होता है? कितना देर कोल्ड स्टोर में रखे बिना? खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता खराब? ये टिशू भागलपुर के नाथनगर के गोलदारपट्टी रामलीला समिति के तत्वाधान में चल रही रामलीला का समापन आज भरत मिलाप व श्री राम के राज्याभिषेक के बाद रामलीला उत्सव संपन्न हो गया। इससे पूर्व निकाली गई शोभा यात्रा में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान आदि का नगर भ्रमण कराया गया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। वहीं शोभा यात्रा के दौरान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के ऊपर पुष्प वर्षा कर सबों का भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद फूल माला आरती व तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया गया। यह शोभा यात्रा गोलदार पट्टी से निकलकर नाथनगर के टमटम चौक तक लाया गया। इस दौरान उपस्थित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने श्री राम के जयकार लगाए। भरत मिलाप के लिए आयोजन समिति के द्वारा मनस्कामना नाथ चौक पर बनाए गए मंच पर रामलीला मंडली के कलाकारों ने मनमोहक मंचन किया। गौरतलब हो कि भरत मिलाप हिंदुओं का एक प्रमुख उत्सव है। यह उत्सव विजयादशमी के अगले दिन अर्थात अष्टमी शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आकर अपने छोटे भाई भरत से गले मिलते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। 1846 में होता रहा है, लगातार होता रहा है, सब दिन होता रहेगा, बस यही है हमारा कार्यक्रम। आज सब दिन होता रहेगा, भव्य प्रोग्राम होता है, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ऐसा प्रोग्राम हमको नहीं लगता है पूरे भागलपुर जिला में कहीं हो रहा है। इसमें क्या रामलीला कमेटी के द्वारा राम और लक्ष्मण एक साथ आते हैं, माँ सीता आती है, एक तरफ से भरत और शत्रुघ्न आते हैं, और यहाँ पर भरत मिलाप का प्रोग्राम हर साल 1846 से होता आ रहा है और आज तक हो रहा है। इसमें क्या नगर भ्रमण किया जाता है? द्वारा होता है ये भरत मिलाप का प्रोग्राम द्वारा। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के सफाई कर्मी जन क्रांति परिषद भागलपुर इकाई द्वारा अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया गया है। सभी सफाई कर्मियों ने अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय के पास अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए अपने हक की लड़ाई करते दिख रहे हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि हम लोग विगत 2006 से लगातार सफाई का कार्य करते आ रहे हैं, चाहे किसी भी तरह की आपदा हो उसमें हम लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर अस्पताल की सफाई का कार्य करते चले आ रहे हैं। अब अचानक नया फरमान जारी होता है, प्राइवेट कंपनी को
मायागंज अस्पताल के सफाई करने का जिम्मा दे दिया जाता है, जिससे अब हम लोगों के वेतन में भी कटौती की जा रही है और कई सफाई कर्मियों को कार्य से भी निकाला जा रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग अस्पताल के अधीक्षक से अपनी मांगों को लेकर वार्ता करने आए हैं। वहीं उन लोगों ने बताया कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर नगर आयुक्त और जिलाधिकारी से भी मिलेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। भागलपुर के कचहरी कैंपस स्थित जिला प्रशासन का बुलडोजर अवैध रूप से बने कई दुकानों पर चला और कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया। वहीं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जगदीशपुर ने बताया कि यह जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन की ओर से आदेश पारित हुआ था। इस अतिक्रमण को हटाने के क्रम में अतिक्रमण पदाधिकारी के साथ साथ दर्जनों पुलिस बल मौजूद थे। जिला प्रशासन के निर्देश पे जिला उपभोक्ता कार्यालय के दुकान के चारों तरफ जो अतिक्रमण है उसको हटाया गया। कुल कितने दुकानें हटाई गई? लगभग हमको लगता है 10।